एक्सा, हाउ टू किल योर होस्टल रूममेट्स विदाउट एनी वेपन। ये वाले मॉल में पहली बार आया हूँ वैसे। अभी तुझे लगा था बच्चा? यार मुझे लगा मर गया आज। और अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये स्पून और फॉक दोनों में से एक भी चीज नहीं है, मतलब हाथ से खानी है ये। योगेश का होस्टल है। सच में हाथ से खानी है? हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग गुड। तो भाई साहब, मैं दिल्ली आ गया था, लोगों को नहीं पता, 3-4 दिन हो गए मेरे को इधर, बट अभी तक मैंने कोई ब्लॉग करा नहीं। तो आज मैं करूँगा ब्लॉग, देखते क्या कुछ रहेगा। आई होप मज़ा आने वाला है, आप लोग बने रहो। इतनी भीड़ लगी रहती है ना यहाँ टिकट के लिए और टिकट मशीन पे भी, बट आई गॉट स्मार्ट कार्ड। पर ये चीज़ मुझे बड़ी मस्त लगती है, यहाँ की फूड स्टॉल ऑलमोस्ट सारी है, हर तरह का खाना मिल ही जाएगा आपको अगर आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ काफ़ी सारे चेन्स है तो उसके लिए एकदम मस्त है। 5 सेकंड लेट हो गया, आप वेट करना पड़ेगा जब तक उसकी मेट्रो आए। कितना सही लग रहा है ना ये। एंड नो मैटर मैं कितने भी अच्छे अपने बाल सेट करूँ, बट बाहर जाते ही खराब हो भी जाते हैं। एज यूजुअल काफ़ी भीड़ ही रहती है मेट्रो में हर टाइम। तो ऑलराइट, तो पहुंच गया मैं डेस्टिनेशन पे जो काफ़ी दूर थी, 1 घंटा लगा। बाय द वे ये मेरा फेवरेट ब्रांड था एडाड़ी, जो कि अब इंडिया से चला गया है। और ये रहा हाविश, हेलो कर दो। हाय। इसको तो आपने देखा होगा लद्दाख के व्लॉग्स में, यहाँ से पहले जम्मू के व्लॉग्स में भी। और ये इसका फ्रेंड उत्कर्ष। हाय। देखते क्या रहेगा। और दोनों लोंडे रेडी हो गए हैं, चले अब। चलो। और हाविश ने हमें बिठा दिया है बैटरी रिक्शा पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। मैं क्या बताऊँ। और अभी हम यूनिकॉर्न आए हैं जो कि एप्पल के रिसेलर है। हाविश को शायद फ़ोन देखना है कुछ। ये वाले मॉल में पहली बार आया हूँ वैसे, इसका नाम है पैसिफिक, क्योंकि ये रोहिणी साइड पड़ता है ना, तो काफ़ी दूर है मेरे फ्लैट से। चलो कश्मीर चलना है अभी? सोचोगे तो कैंसिल हो। सोचोगे तो बस निकल जाएगी। और क्या, 9:30-10 बजे की बात नहीं मिलती ना। पहले हम देखेंगे ना, क्या देखेगा ऊपर। मैं सही लग रहा हूँ, मैंने बाल कटवाए हैं, शेव किया है, या पहले से ही था? आप तो यूट्यूबर लग रहे हो। यूट्यूबर लग रहा हूँ ना। मेरे को बर्गर किंग पसंद है, मैं सोच रहा था कुछ खा लेंगे यहाँ से, बट यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीकेंड है ना आज, तभी इतनी भीड़ है। और हाविश की बेवकूफ़ियों की वजह से ना तो हम मॉल में इंजॉय कर पाए, ना तो वहाँ कुछ खा पाए, और ना ही कहीं जाने का प्लान बना। जूल में इसने 2-2.5 घंटे वेस्ट कर। ऐसा क्यों करते हो यार? यार भाई कंफर्म नहीं था, घर वाले फ़ोन कर लेते रात को। तो फिर मैं गया था ना बर्गर किंग कुछ खाने, वहाँ भी खाने नहीं दिया सही से। वहाँ पे तो प्लान था ना जाने का, बाहर आके बदला। और हाविश अपने फेवरेट मोमोज खा रहा है, बहुत अच्छा बनाता है। कुरकुरे मोमोज भी आ गए हैं जो हम खाया करते थे जड़बी में जम्मू में, याद है? तो अभी पता चलेगा ना खाके, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी तेरे कहने पे। Much later. और अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं मैगी बनाने। भाई बढ़िया सी मैगी बनाना, ठीक है? ठीक है साहब। और ये हमारे नए फ्रेंड है, क्या नाम है भाई? योगेश यादव। एलवेश यादव के छोटे भाई। आने तो मैगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसी मैगी बनाई है लोगों ने। मुझे लगता है वैसे खराब ही बनेगी, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैगी बन गई है यहाँ पे भाई हाविश। मैंने ये कुछ लगा कि देख पसीने में कौन दिख रहा है, पसीने में मैं दिख रहा हूँ ना। हाँ। और भाई साहब आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? मतलब यू पीपल विल लिटरली लाओ, स्पून और फॉक दोनों में से एक भी चीज नहीं है, मतलब हाथ से खानी है ये। योगेश का होस्टल है। सच में हाथ से खानी है? सच में हाथ से खानी है? अबे कांटा ले आना। तेरा चाचा आगे रेडी लगा के बैठा है। अबे भाई कुछ भी यार, मुझे लगा मजाक कर रहे हो तुम लोग, सच में। चम्मच है, चम्मच। एक्सा, how to kill your hostel roommates without any weapon? Sorry, I'm not sure. इसको पता नहीं यार तुम लोगों को कैसे मारना है। Alexa, play Zahale Miskin. Zahale Miskin by Javed Mansur, Vishal Mishra, Shreya Ghoshal. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Yes, yes. Thank you. Play it now. दिमाग मत चाटो। सीरियसली तुम लोगों ने इसको पता है कश्मीरी क्या बोलते हैं? त्रम। लेकिन उसमें चावल होते हैं, उसमें वाजवान होता है, डिशेस होती है मटन की। कर्श कैसे खाएंगे हाथ से बताओ? कैसे खाएंगे? लेकिन यार जो भी बोलो हॉस्टल में मजा भी आता है ना, मेमोरीज रहती है थोड़ी बहुत। ये देखो हो सकता है ऐसा कि मैगी हाथ से खाए बंदा, लेकिन हॉस्टल में कुछ भी हो सकता है। पता नहीं मैं हर जगह हॉस्टल क्यों पहुंच जाता हूँ, कभी श्रीनगर,
कभी जम्मू कभी दिल्ली। ऑलराइट, तो अभी रात के 3:30 हो रहे हैं एंड हम लोगों को वहाँ सोने का वाइब नहीं आया, समझ रहे हो आप? मतलब कैसे बंदे हैं, हमें सोने के लिए भी वाइब चाहिए। मतलब क्या, मतलब सेंस नहीं बना रहा ना, लेकिन अब नहीं आई वाइब तो नहीं आई, इसीलिए अब हम कहीं और जा रहे हैं सोने। ओ क्या, लिटरली आपने देखा ना यार वीडियो में कैसे बचाए, कहता मुझे लगा बाइक है, एक ही हेडलाइट चल रही थी, बाइक है भाई, जब बगल में है तब पता चला क्या, दो लाइट अभी सीधे लगा था बचा यार, मुझे लगा मर गया। ऊपर से गाड़ी की स्पीड थी अराउंड 120-130, उस स्पीड से भजता मेरा बॉल में, वरना और I-20। अच्छा रेस कर रहे थे वो लोग, क्या बोलना चाहोगे दूसरी जिंदगी लेके, कैसा लग रहा है? मैं इसको पहला था, मैं दूसरी जिंदगी ली, तो क्या करोगे दूसरी जिंदगी में? हैप्पी डेंट खाएंगे फ्री भाई। अब इस दूसरी जिंदगी भी लिया अब, है ना, अब सिर्फ पूजा पाठ करो, इसमें पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है? ओके। तो इतना कुछ सीन हो गया एंड एक सरदार जी मिले थे, उनको कुछ हेल्प चाहिए थी, कर दी, क्योंकि मैं 2019 में चंडीगढ़ में था एंड घर पे फोन वगैरह नहीं चल रहे थे, वो आर्टिकल सब्सक्राइब हुआ था, अब सरदार लोग काफी हेल्प कर रहे थे, तो जस्ट फॉर इस कम्युनिटी, मुझे नहीं पता कि उसको सच में कोई प्रॉब्लम थी या ऐसे ही मांग रहा था, जो भी था। और अभी हम थे इनके फ्रेंड के पीजी में, बट वहाँ वाइफ नहीं आई सोने की, तो अब हम आ गए इनके अपने हॉस्टल में। अफसोस भाई, आपका स्वागत है दिल्ली में, क्या बोल रहे हो यार? अच्छा, मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? बट उत्कर्ष भाई, सच में आपकी नई जिंदगी है ब्रो, क्या बोलना चाहोगे? सतर्क होकर रोड पर चले, और रोड पे अगर एक स्कूटी भी हो तो पहले उसको जाने दो, क्या पता वो बाइक नहीं गाड़ी निकल जाए, उसकी एक हेडलाइट खराब हो, है ना? और रात के समय आपको हमेशा सतर्क रहना है कि अगर एक साइकिल भी जा रही है, अगर वो रफ्तार में है तो आपको उसको जाने देना है। चलो, लाइफ लेसन तो सीख गए तुम आज, है ना? आज से कभी भी रोड है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे सीधा जा रहे हो, क्या पता आप कहां से कहां पहुंच गए। वही बताया ये क्या बोल रहा था अभी, मुझे लगा अभी सिक्सर होगा, मेरे का मतलब बोलता, मुझे लगा अभी 6 बज गए हवा में, जैसे बॉल हो गया, नो मुझे भी लगा है क्या, लगता ना दूर से आ रहा है, मुझे पूरा बाइक है स्कूटी होगी, और जब से वो रेस कर रहे थे ना, जब उसने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया तब मुझे पता चला। सही बात, चलो जो भी, आप लोग भी सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, शबा खैर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट कर देना और मेरे को सजेस्ट करो कमेंट्स में कि नया व्लॉग किस चीज़ पे आना चाहिए, ठीक है? सो विद दिस आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस व्लॉग, सो ड्यू टू एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड इफ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हंसा मत यार, आई विल सी यू पीपल इन अनदर फ्रेश व्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।